आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ इस बुक के बारे में जिसका नाम है सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जो कि लिखी गई है युवाल नोआ हरारी के द्वारा। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने करूंगा इस बुक का रिव्यू, मैं आपको बताऊंगा कि ये बुक मेरे को कैसी लगी। मैंने इस बुक को पढ़ा है, काफी टाइम लगा के पढ़ा है मैंने इसको, बहुत आराम से पढ़ा है। मेरा जितना भी ओपिनियन इस बुक के बारे में है सब कुछ हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखना जिससे कि आपको पता चल पाए कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो युवाल नोआ हरारी है उन्होंने 3 बुक्स लिखी है, सेपियंस, 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी और होमो ड्यूस। जो ये बुक है ये हिस्ट्री बताती है, जो ये बुक है ये प्रेजेंट बताती है, और जो होमो ड्यूस बुक है वो फ्यूचर के बारे में बात करती है। तो जो सबसे फेमस बुक जो है युवाल नोआ हरारी की वो सेपियंस ही है, और ये बुक बहुत ज्यादा फेमस है और ये बेस्ट सेलर है। तो मैं देखता हूँ कि जब भी कोई बुक रिकमेंडेशन की बात करता है तो इस बुक को जरूर रेकमेंड करता है। तो मेरी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी इस बुक को पढ़ने की, उससे इस बुक को पढ़ने से पहले मैंने इस बुक को पढ़ लिया था जिसका नाम था 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी, और ये बुक मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग, बहुत ज्यादा अलग साबित हुई क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा था। इससे मेरे को पता चला कि युवाल नोआ हरारी कैसे सोचते हैं, कैसे वो लिखते हैं, क्या उनका स्टाइल है लिखने का। तो मेरे को काफी जो बातें थी वो इस बुक में पता चल गई। तो काफी सारी सिमिलैरिटीज है जो कि हमें इन दोनों बुक्स में दिखती है। तो अब इस बुक में स्टार्टिंग में वो टाइमलाइन हमें देते हैं कि 14 बिलियन साल पहले बिग बैंग हुई, उसके बाद 70,000 साल पहले कॉग्निटिव रेवोल्यूशन हुई, उसके बाद धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन वगैरह, ऐसे करके तो हमारा इंसानी जो स्पीशीज है वो धीरे धीरे करके इवॉल्व होते जा रही है। जो आज के टाइम में हम लोग हैं वो होमो सेपियंस हैं। इंसान की कुछ 6-7 प्रजातियां रही हैं जो कि इस बुक में बताया गया, बट जो अभी तक सर्वाइव कर पा रही है इंसान की जो स्पीशीज है वो केवल होमो सेपियंस है। एक जो स्पेशलिटी होमो सेपियंस की बताते हैं कि हम ग्रुप में काम कर सकते हैं, हम ज्यादा लोगों के साथ काम कर सकते हैं, एक साथ कोऑपरेट करके चल सकते हैं, हम तो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। ये एक होमो सेपियन की क्वालिटी, जिसकी वजह से एक टाइम पे जब होमो सेपियंस एकदम इनसिग्निफिकेंट थे, वो ज्यादा कोई मैटर नहीं करते थे, जैसे कि एक गोरिल्ला था वैसे ही होमो सेपियंस थे, पर आज के टाइम में होमो सेपियंस जो है वो फूड चेन के टॉप पर बैठे हैं। और ऐसा हमने क्या कर लिया कि आज हम सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, और आज जो होमो सेपियंस है वो इस वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया है कि पहले हम शिकार करते थे, जैसे कि जो बेसिक हिस्ट्री है जो सबको पता होती है वो उन्होंने धीरे धीरे बताया है, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन की, हमारा दिमाग कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे हमारा जो ब्रेन है वो बड़े साइज का था। ब्रेन होता है उसमें हमारी बॉडी है उसकी मैक्सिमम एनर्जी ब्रेन को चलाने में ही लग जाती है, जो कि मेरे को बहुत ज्यादा जबरदस्त बात लगी। फिर ये हमें एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बारे में बताते हैं कि कैसे जब इंसान शिकार करके खाना खाता था तो वो लगातार मूव करते रहते थे, इससे उन्हें खाना मिलता है। उसके बाद क्या हुआ कि उनको एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आई, कि उनको पता चला कि वो खाना उगा के भी खा सकता है, जिससे क्या हुआ कि खेती करनी पड़ती थी। अब खेती करेगा कोई बंदा तो उसको ज्यादा टाइम उसके ऊपर पूरा लगाना पड़ेगा, पहले उसको बोएगा, उसका ध्यान रखेगा, फिर फसल होएगी, फिर उसे काटेगा, फिर खाएगा, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है। उसकी वजह से जो इंसान है वो एक जगह पर टिक कर रहने लग पाया, जिससे कि जो है उसका एकदम जो पहले वो काम कर रहा था बिल्कुल बदल गया। पहले वो भागता था, एक्सरसाइज वगैरह ज्यादा रहती थी उसकी, वो घूमता रहता था, तो उसका वो हैबिटेट अलग रहता था, पर अब वो ये जो काम कर रहा है एग्रीकल्चर वाला वो बिल्कुल बदल गया। अब जब एग्रीकल्चर कोई बंदा बनता है तो उससे क्या हुआ है कि उन्होंने बताया कि जो हमारी स्पाइन है ना, जो हमारा एक बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हुआ है, और ये जो हमारी नेक स्पाइन वगैरह है इसको नुकसान हुआ है खेती करने की वजह से। तो ऐसे करके वो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बारे में बताते हैं। वो एक जो बहुत अमेजिंग बात करते हैं कि होमो सेपियंस जो है वो ऐसी चीज के ऊपर बिलीव कर सकते हैं जो कि प्रेजेंट में है ही नहीं, यानी कि जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। लाइक वो कहानियां बनाते हैं, वो फिक्शन बनाते हैं, जैसे कि अगर आप किसी बंदर को बोलो कि अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो तुम्हें जन्नत में केले मिलेंगे, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर अगर तुम ह्यूमंस को बोलोगे तो वो स्टोरीज में बिलीव कर लेते हैं कि तुम्हें फ्यूचर में ये चीज मिल जाएगी, तुम्हें कहीं ऐसी जगह जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, हमें नहीं पता, पर अगर आप उसे बोलोगे तो वो बिलीव कर सकता है। पर अगर वही चीज आप किसी बंदर या फिर किसी और जानवर को बोलोगे तो वो उसके लिए आपको कुछ काम आपका नहीं करके देगा, या फिर वो आपकी बात पे बिलीव नहीं करेगा। ये एक ह्यूमंस की स्पेशलिटी है कि वो स्टोरीज बना लेते हैं, वो फिक्शन बना लेते हैं, वो ट्रस्ट बहुत ज्यादा बिल्ड होता है। लाइक जो मनी एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं यहाँ पर कि मनी क्या है, ये हमारा एक म्यूचुअल ट्रस्ट है कि ये चीज है, कागज का टुकड़ा है जिसकी इतनी वैल्यू है, पर असल में ऐसा कोई मतलब रियलिटी में वो कोई चीज उसकी वैल्यू है वो किसको पता। समझ लीजिए इस बुक को मैं अगर एक समराइज करना चाहूंगा तो उन्होंने मैनकाइंड की हिस्ट्री को हमारे सामने रखा है, जिसमें कि जो एक हमारे सामने निष्कर्ष आता है सामने कि हमने हिस्ट्री में बहुत ज्यादा गलतियां करी है, कि लाइक हमने नेचर को बहुत ज्यादा तंग करा है, हमने दूसरे एनिमल्स को बहुत ज्यादा तंग करा है, हमने दूसरे ह्यूमंस को बहुत ज्यादा तंग करा है। तो इस बुक से जो मेरे को लेसन, सबसे बड़ा जो लेसन मिलता है वो है कि हमें आज के टाइम में भी जैसे इंस्टेबिलिटी चल रही है, जैसे कि युद्ध वगैरह का माहौल रहता है, दूसरे के प्रति हमारे मन में जो हिंसा वगैरह जो बुरे भाव है एक इंसान के अंदर
उस सब के बारे में हमें बताती है, इंसान की एक बुरी साइड के बारे में इस बुक में पता चलता है हमें, क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा ओवर लगता है वो जो भी बातें मैं कह रहा हूँ वो ऑथर हमारे सामने रख रहे हैं कि वो कहते हैं कि जो गॉड वगैरह जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो उन चीजों पे हमें नहीं मानना चाहिए। उसके चक्कर में रिलीजन के चक्कर में काफी ज्यादा हेट्रेड, काफी ज्यादा वायलेंस क्रिएट होता है वर्ल्ड में, तो वो भी बात हमारे सामने रखते हैं। राइट विंग लेफ्ट विंग सारी बातें होती है, आपको इसमें लगेगा कि हाँ भाई थोड़ा सा वो बात सही कह रहे हैं, आपके भी मन में थोड़ा सा ह्यूमंस को लेकर नेगेटिव ऐसे बातें आने लगेंगी, आपको लाइफ को लेकर थोड़े नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे, जो कि मैंने एक्सपीरियंस करा था खुद, इसलिए मैं आपको ये बता पा रहा हूँ। बट अगर आपको जानना है ह्यूमंस के बारे में, आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। बस कुछ बातें ध्यान रखना कि आपको ह्यूमंस की ज्यादातर डार्क साइड जानने के लिए पता चलेगी। रिलीजन पे वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते, उसके बाद कैसे कैसे सब कुछ चला आया और कैसे कैसे सब कुछ इवॉल्व होकर आज हम जो यहाँ पर खड़े हैं वो आपको पता चलेगा। तो जो मेन स्टार्टिंग में जो हमें बताते हैं वो बेसिकली स्टार्टिंग में हमें थोड़ा बायोलॉजिकल या एवोल्यूशन के बारे में बताते हैं, उसके बाद जो है हिस्ट्री पॉलिटिक्स वगैरह काफी सारे सब्जेक्ट्स इस बुक में आ जाते हैं। काफी सारी मतलब समझ लीजिए आप साइंस मनी वगैरह बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बहुत डीपली नॉलेज के बारे में बात होगी, बट वो अपने पॉइंट्स को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस बुक में आपको बहुत ज्यादा जानने के लिए मिलेगा, पर आपके दिमाग में काफी कुछ समझ लीजिए नेगेटिव थॉट्स भी आ सकते हैं। ओपन माइंड से आप इस बुक को पढ़िएगा, पर जो भी इस बुक में कहा गया है उसको बिल्कुल पत्थर की लकीर मान के एक्सेप्ट मत कर लीजिएगा। मेरे को ये बुक अच्छी लगी, बट जैसे कि मैंने बताया टफ है और कई चीजें आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगती, तो बाकी आपके ऊपर है कि आपको ये बुक पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। आपको इस बुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बुक रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके लिए ऐसी टाइप की वीडियोस मैं लाता रहूंगा। तब तक के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो या फिर ये वीडियो देख सकते हो या फिर यहाँ पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।